का सरकार है तेजस्वी सरकार, जब तेजस्वी का सरकार बना तो मैं बहुत खुश हुई कि हम लोग का बेरोजगारी दूर होगा। तेजस्वी सरकार से बहुत उम्मीद है और उनसे हाथ जोड़ के आपका ज्ञापन आज लिया गया है नहीं लिया गया? आप लोग ज्ञापन हम लोग तो बाहर ही थे, मिलने नहीं दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया गया, हम तो हजार बार दे चुके हैं। आज क्या हुआ है? आज आज आप लोग क्या उम्मीद लेकर के आई थी यहाँ पर? आज उम्मीद लेकर के आए थे कि हम लोग तेजस्वी सरकार से मिलेंगे, पर नहीं मिल पाए। हम लोग को प्रशासन अंदर जाने से रोक दिया, नहीं मिल पाए। तो हम लोग मतलब आपके चैनल के माध्यम से बता दें उनसे कि उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हम लोग का सितंबर माह में जल्द से जल्द जारी करें। हम लोग रोड पे रहने का शौक नहीं है, रोड पे नहीं बोर्ड पे होना चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार हमें रोड पे रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना कुमारी है। आप लोग यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोग पिछले 3 साल लगभग 6 महीना से दौड़ रहे हैं 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए। हम लोग मात्र पिछले बहाली से 14 दिन के लिए वंचित रह गए थे। हम लोग 8 to 8 शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं और यही RJD की सरकार जब नहीं थी 4 दिन 5 दिन पहले तो हमारी मांगों को ये लोग हमारे पंडाल में आकर जायज ठहरा रहे थे और बोल रहे थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और हमारी उनकी सरकार आ गई है और हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को लोग पूरा करें और हमें रोड पर से उठा करके स्कूल के बोर्ड पर भेजें। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 5 कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, आज आप लोगों से मिले तेजस्वी यादव ऐसे ही निकल गए? नहीं, मिल कहाँ रहे हैं, हम लोग को जबरदस्ती रोड पर खड़ा होकर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि एक बार कहें पहल तो करें कम से कम कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बनाना है तो शिक्षकों को चाहिए, वहाँ तो शिक्षक की कमी है, शिक्षक की भर्ती करें जल्द से जल्द। क्या नाम है आपका? नितेश पांडे। नितेश पांडे, आप लोग किसी संस्था से हैं? देखिए हम लोग कोई संस्था से नहीं है, हम लोग 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति के लिए एकजुट होकर पूरे बिहार से लगभग अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी है, प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी।